वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। आज हमारे साथ एक यंग डायनेमिक पॉलिटिकल लीडर, सोशल लीडर और रिलीजियस लीडर है। एक ऐसी शख्सियत जिसको पूरे देश में एक ऐसे वॉइस के रूप में जाना जाता है जो देश को सही तकरीर, सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में आज हम स्वागत करते हैं कलब रशीद रिजवी साहब का। और आज हम इनसे कोई रिलीजियस बातें नहीं करेंगे। हमारा देश एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन, एक ऐसे राजनीतिक उठापटक में फंसा हुआ है कि जब चारों तरफ निराशा, करप्शन, भ्रष्टाचार, घोटाले, साथ ही साथ कुछ नई आशा, नई किरण बिहार की जनता की तरफ से, और इसके अलावा विकीलीक्स का खुलासा जिसने ये बता दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किस तरीके से अपने जाल में पूरी दुनिया को झांसा देकर फंसा रखा है। तो इन सब बातों पे, इन सब विषयों पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और पहला सवाल, जनता त्रस्त है इस भ्रष्टाचार से, आपको क्या लगता है क्या वजह है? क्या हम हिंदुस्तानी ऐसे ही काहिल, नालायक हो गए हैं कि बिना भ्रष्टाचार के इस देश को चला ही नहीं सकते? मनीष भाई, ऐसा है कि सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने हमें स्टूडियो में दावत दिया ब्लैक एंड व्हाइट के इस कार्यक्रम में, जहां आप हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर उन लोगों से मुखातिब होते हैं जिनको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तरक्कियों में रुचि है। मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि करप्शन अब करप्शन नहीं रहा, बल्कि करप्शन अब कल्चर बन गया है। और कल्चर को मिटाने के लिए किसी एक आदमी की ज़रूरत नहीं होती, किसी एक तकरीर, किसी एक कदम से कल्चर नहीं मिटता, बल्कि किसी एक आवाज़ को दूसरे मुंह से निकलना पड़ता है, किसी एक ख्वाब को दूसरे आंखों में चमकना पड़ता है, किसी एक असलहे को दूसरे हाथों में पहुंचना पड़ता है, और एक मंजिल पे कई कदम को एक साथ चलना होता है, तब जाके इनकलाब आता है। बिल्कुल ऐसे जैसे पानी एक कतरा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कतरा कतरा मिलते मिलते दरिया भी हो सकता है। वाह वाह, एक चीज, आप हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, आपके बहुत चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, आपकी बातों को पे यकीन करते हैं, मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, उनकी आंखों में क्या देखते हैं भ्रष्टाचार को समझते हुए? मैं देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत सहनशीलता और हिंदुस्तानी एक बहुत ज्यादा सब्र वाली कौम है दुनिया में। हम बहुत ज्यादा बर्दाश्त की ताकत रखते हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका है। लेकिन इस बहुत होने के बावजूद हमारे पास जो सब्र है वो बहुत ज्यादा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब मेरे जवान और मेरे लोग और मेरे मुल्क के लोग इस सब्र को सब्र ना रखें, बल्कि इस सब्र को बहादुरी में बदल दें, आवाज उठाएं, और वो ख्वाब जो उनकी आंखों में है उसे मुर्दा ना होने दें, वो अज़्म और इरादा जो उनके दिल में है उसे जिंदा रखें, और यकीन रखें कि भारत जरूर बदलेगा अगर उन्होंने बदलने की कोशिश की। आवाज किसके खिलाफ उठाएंगे? राजनीतिक दल, कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, समाज, पंचायत, कोई चीज तो नहीं बचा है? मनीष भाई, जब हम सब जमा हो जाते हैं ना, तो नदियों का रूप ले लेते हैं, और नदियां बहने के लिए रास्ता नहीं पूछा करती, वो तो बस बह निकलती हैं। और फिर आप हिसाब लगाते हैं कि 300 किलोमीटर पहले आबाद था और अब बर्बाद हो गया, और पहले मकानों में लोग रहा करते थे और अब तो जेरे आब हो गया। तो मैं बस ये सपना देख रहा हूं कि कब ये कतरों का रूप नदियों का रूप ले ले। जिस दिन ये नदियों का रूप ले लेगा, उस दिन हुकूमत क्या, उस दिन सरकार क्या, उस दिन स्टेट गवर्नमेंट्स क्या, उस दिन एकेडमिशियन क्या, नॉन एकेडमिशियन क्या, उस दिन प्रोफेशनल्स क्या, नॉन प्रोफेशनल्स क्या, उस दिन हुकूमत में रहने वाले या अपोजिशन में रहने वाले क्या। चोर को तो साहब चोर ही कहा जाता है, चाहे मेरा चचा ही क्यों ना हो।
आपके पास बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, वो सोल सर्चिंग के लिए भी आते हैं, कुछ मदद के लिए भी आते हैं, उनसे भी आपकी बात होती होगी भ्रष्टाचार के ऊपर जी, वो क्या कहते हैं? देखिए, मैंने एक जुमला जो आपसे कहा ना, उनका भी यही कहना होता है कि साहब हमारे एक के सुधरने से सब नहीं सुधर जाएंगे, या हमारे एक के इस आग को हवा ना देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनका ये कहना है कि साहब हर एक जगह करप्शन है, और अब तो करप्शन में भी ईमानदारी इस लिए आ गई है कि जो शख्स किसी काम के लिए पैसा लेता है उसे उस वक्त ईमानदार कहा जाता है जब वो काम करके दे देता है। तो अब मैंने जैसा आपसे कहा कल्चर बन चुका है, लेकिन मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, उन नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि देश चाहता है तुम बदलो, क्योंकि तुम्हारी जमीन चाहती है तुम बदलो, क्योंकि धरती चाहती है तुम बदलो, और ये बदलाव अब आने वाला है, समय आ चुका है। हिमालय से हमेशा ठंडी हवा नहीं बहती, कभी कभी गर्म हवाएं भी आती हैं, और जब हिमालय से गर्म हवा आती है ना, तो फिर माहौल में सिर्फ गर्मी ही गर्मी होती है, कहीं से कोई ठंडक नहीं होती। देखिए, आपकी बात पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अगर कलवे रिजवी साहब की बात अगर थोड़ी सी भी अगर उसमें हकीकत में वो बदल जाए, वो गर्म हवा हिमालय से बहने लगे, तो सचमुच कुछ बदलाव हो। लेकिन एक बात जो आपकी बातों से लगा कि नेताओं को भी लगता है कि वो एक भ्रष्टाचार के तंत्र के शिकार हैं, जो खुद भी उसमें फंसे हुए पाते हैं, क्या उनको उनके मन में ऐसा नहीं लगता कि भाई चलो इन सब तंत्र, इस भ्रष्टाचार के पूरे तंत्र से बाहर निकला जाए, या फिर वो ये तंत्र ही इतना बड़ा राक्षस है कि जो आदमी इसमें घुस गया उसको बाहर निकलने नहीं देता? मनीष भाई, बहुत सिंपल सी बात है, और मैं यहाँ अपने कारीन से जो हिंदुस्तान भर में मुझे देख रहे हैं कहना चाहूँगा कि बहुत आसान है जबानी तौर पर हक के लिए लड़ना और बातिल के लिए खिलाफ लड़ना, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है मैदान में उतरना। ये याद रखिएगा, सूरज को कागज़ पे लिखने से रोशनी नहीं आती, सूरज को बोलने से अंधेरा नहीं जाता, सूरज सोचने से उजाला नहीं आता। जब तक अपने मकान से बाहर ना निकलो, अल्लाह के बनाए हुए आसमान को ना देखो, तब तक पता ही नहीं चलता सूरज क्या है। इसीलिए अपने आप को हिंदुस्तानी लिखने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता, हिंदुस्तानी बोलने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता, हिंदुस्तानी सोचने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता, जब तक अपने जिंदगी के मैदान में बाहर निकल के अब्दुल हमीद और अशफाकुल्ला जैसे किरदार को अपनी जिंदगी के अंदर न डाल ले, तब तक वो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है। और जब तक सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है, तब तक हिंदुस्तान उसे कबूल नहीं करता। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव और किसी न किसी चादर के नीचे और वजन के नीचे दबे हुए हैं, उन्हें एक दिन जरूर एहसास होगा तुम जिसके नीचे दबे हो, पर देश तुम्हारे नीचे नहीं दबना चाहिए। एक्सीलेंट। मैं एक बात आपको बता दूं अपने दर्शकों के, कलवे रशीद रिजवी साहब सिर्फ अच्छा बोलते ही नहीं है, बल्कि जो इन्होंने भी कहा ये एक्शन में भी नजर आते हैं। अभी हाल के दिनों में करप्शन के खिलाफ बाबा रामदेव ने एक मुहिम छेड़ी, मैंने आपको वहां देखा जी। क्या मोटो है इस पूरे बाबा रामदेव का, जो करप्शन के खिलाफ वो जो पूरा जो मुहिम है उसके बारे में जरा बताइए। एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन के खिलाफ पूरी जंग लड़ने के लिए अभी तैयार हुआ है, और ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, चीफ जस्टिस हैं, कुछ हमारे IRS अधिकारी हैं, हमारी बड़ी बहन किरण बेदी जी हैं, हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें हैं, और बाबा रामदेव मेरे बड़े भाई इज़्ज़त माँ, मैं बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करता हूँ, चूँकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए नहीं कि वो मुझे प्यार करते हैं, इसलिए कि मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों को जो सेहत की दावत देता है, ऐसी अवस्था में जबकि भारत सरकार के पास हेल्थ का बजट होने के बाद बावजूद 6,50,000 गांव में सेहत के नाम पे दुकानें तो खोल रखी हैं लेकिन दवा मौजूद नहीं है, टेबल तो है और डॉक्टर नहीं है, और अगर मरीज आना भी चाहे तो अस्पताल तक जाने का रास्ता नहीं है, ऐसी हालत में कोई ऐसा शख्स अगर चिराग जला रहा है तो हमें हवा बनके उसे बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि फानूस बनके उसकी हिफाजत करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है या पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो ये है कि हम सिर्फ चर्चा ना करें कि कहां क्या बुरा हुआ, हम खड़े हो जाएं
आवाज उठाएं और ये देखें कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। और एक जुमला इस जगह पर मैं कहूंगा, टेररिज्म के खिलाफ अमेरिका ने जब आवाज उठाई थी तो यूएस ने एक बात कही थी कि टेररिज्म के खिलाफ या आप हमारे साथ हैं और या आप हमारे साथ नहीं हैं, दो हिस्सों में बांटा था। बिल्कुल इसी तरीके से ये एंटी करप्शन जो आवाज है वो इसी आवाज को आगे बढ़ाती है, या आप हमारे साथ हैं और या आप हमारे साथ नहीं हैं। हम करप्शन के खिलाफ हैं, चूंकि बहुत हो गया किसी गरीब को भूखा रखा जाए, यहां तक तो नामुनासिब था, बहुत गलत काम था, लेकिन साहब किसी गरीब को मार दिया जाए और मारने के बाद उसे कफन दिया जाए और कफन देने के बाद ताली बजवाने के लिए पब्लिक को भीड़ इकट्ठा करके ये कहा जाए कि साहब हमने कफन दे दिया इनको, तो किसी को मारने के बाद उसे कफन पहनाना पुण्य नहीं हुआ करता। एक बात मैं बताऊं आपको, जिस जो आपकी बातों से पता चलता है कि एक तरफ बाबा रामदेव उनके फॉलोअर्स, दूसरी तरफ ये मुहिम, मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल है इस पूरे जो प्रयास जो हो रहा है इसमें एक पोटेंशियल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक बिल्कुल लड़ाई जो है माने करने के लिए वो लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ईमानदार लोग हैं और पब्लिक सपोर्ट और आप लोग जैसे लोग जो साथ में जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल इस पूरे भ्रष्टाचार के तंत्र के ऊपर एक पहला हमला तो आप कर ही सकते हैं। मनीष भाई, मैं आपको बताऊं और बड़ी खुशी है और मैं कारीन से उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि पिछले 60 बरस में जंतर मंतर पे 25,000 का मजमा कभी नहीं आया था, ये पहली बार इतिहास में हुआ है। और ये लोग किसी के बुलाने से नहीं आए थे, ये लोग खुद आए थे, ये लोग किराए के लोग नहीं थे, इन्हें गाड़ियां नहीं दी गई थी, इन्हें पैसा नहीं दिया गया था, ये नेताओं के पिछलग्गू नहीं थे, ये बटरिंग करने वाले लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जिनके मिजाज में, जिनके उसूल में, जिनके दिल में, जिनके नियतों की गहराई में उनकी देश की अस्मिता बैठी हुई है। और ये लोग आके घंटों बैठे रहे और आप यकीन कीजिए कि इन लोगों ने जो आह्वान किया है, तो हमारे प्रोग्राम के एक घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ए राजा से जो है वो रिजिग्नेशन लिया और उसके बाद से जो सारे काम होते गए, तो आप देखिए इसका नतीजा दिख रहा है। ये हमारी ताकत नहीं, ये देश की ताकत है, ये देश की ताकत है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस देश में गांधी इसलिए बने कि समाज का जो हमारा जो कल्चर है वो उसमें एक सोशल पावर, पॉलिटिकल पावर और साथ में एक रिलीजियस पावर, जिसको पॉलिटिकल साइंस में हम सेंट्रली इडियम्स के नाम से जानते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। जब लोगों को लगता है इस देश के अंदर में कि फला संत, फला अच्छा आदमी अगर कोई बात कह रहा है, तो हमारे देश का ये कल्चर है कि लोग उसे सच मान लेते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो फैसला, जो बात आपने कही, वो उस बात में इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कभी इस पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो बात आपने भी यहां पे रखी है कि बाबा रामदेव, आप लोग जैसे लोग एक साथ मिलकर इतने मास सपोर्ट के साथ किसी भी मुद्दे को अगर देश के अंदर उठाते हैं, तो मुझे पूरी तरह विश्वास है इस बात पे कि ये बिल्कुल अपना रंग दिखाएगा। यकीनी तौर पर मनीष भाई, मैं कहना चाहूंगा और मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए आवाज उठाने वाला बहुत अहमियत रखता है। मैं अपने कारीन से कहूंगा और बिलखसूस वो लोग जो इस्लाम और इस्लामियात को समझते हैं, हमारे पड़ोस में एक मुल्क है ईरान, उसका नाम है ईरान, में रजा शाह पहलवी राजा हुआ करता था और वो शिया स्कूल ऑफ थॉट का मानने वाला था। और उसी के मुल्क में एक मौलवी जिसने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ इज्जत कमाते कमाते और वो उस मंजिल पे पहुंचा जिसे लोग आयतुल्लाह खुमैनी के नाम से जानने लगे। आयतुल्लाह खुमैनी की बात और उनकी बातों को मानने का जब सिलसिला बढ़ा और इंटेलिजेंस ऑफ रजा शाह पहलवी ने उसको खबर दी कि साहब ये तो अगर ऐसी बात करते रहे तो तेरी तो एक दिन हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा, तो उसने मौलाना साहब को बुलाया अपने यहां दरबार में। अच्छा, आप दोनों शिया हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई एंटी स्कूल ऑफ थॉट काम कर रहा है। तो वो कहता है अपनी राजाशाही को बचाने के लिए कि साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा कीजिए हम आपको कहीं विदेश भेज देते हैं, आप कौम के लिए कोई किताब लिख के छोड़ दीजिए, आप कहां इन पॉलिटिकल चक्करों में फंसे हुए हैं और सियासत अच्छी चीज नहीं है और हम देख लेंगे, आप परेशान ना हो, जो भी करप्शन है उसे खत्म कर देंगे, दिस दैट, जो भी उसको समझाना था वो उसने आयतुल्लाह खुमैनी को समझाया। तो आप
कहने लगे कि अच्छा तू ये कहता है कि मैं देश छोड़ के चला जाऊं, और क्या